हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मेरा प्लान था एक डिटेल सेशन लेने का सभी के साथ एक दूसरे टॉपिक पे, बट मैं बहुत बिजी हो गया, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऑन द गो छोटा सा सेशन लिया जाए जिसमें हम बात करें फेलियर की, कि डिस्पाइट फेलिंग इन द फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर यूपीएससी आई गॉट माय एक्ट बैक एंड हाउ डिड आई एक्चुअली इम्प्रूव अपॉन द मिस्टेक्स दैट आई वाज डूइंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट्स इन माय फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स and then I applied my mind in a different way in order to win the third time when I was taking the exam. So first of all, I would like to tell you that in my first attempt, I think I was not that well prepared. मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो जरूरी टॉपिक्स हैं मेंस के लिए वो स्किप कर दिए थे, जैसे एथिक्स है, एसे है, इसमें मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, राइटिंग प्रैक्टिस, और स्पेशली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें मैंने ज़्यादा फोकस किया जहाँ पर मुझे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक हिस्ट्री, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है, पर अगर उसमें सारा टाइम आप लगा देंगे तो बाकी जो एक्चुअली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इनकी जगह अगर आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम देंगे प्रोपोर्शनली कंपेयर टू देम, देन मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना टाइम एलोकेशन जो है ठीक तरह से नहीं करा वेरियस सब्जेक्ट्स में। तो जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे पहले ज़्यादा टाइम दीजिए और फिर सारे बचे हुए सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए। तो सिंपल वे है कि मेरी इस मिस्टेक से आप क्या सीख सकते हैं कि एक तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने ही हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, पर आपका टाइम कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लगना चाहिए जैसे पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि टाइम कम लगा सकते हैं पर पढ़ना तो उनको पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जैसे एसे और एथिक्स होते हैं, बहुत बार एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि इसको मैं एक बार मेरा मेंस क्लियर हो जाए, प्री का रिजल्ट आए, उसके बाद ही शुरू करूँगा। कई बार वो स्ट्रैटेजी काम कर सकती है पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेल हो जाती है, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज एथिक्स और एसे में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में पूरा इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग लॉन्ग फॉर्म, 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, उसमें पूरा आर्गुमेंटेशन करना है, अच्छी तरह से आपको ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो पहले से करनी पड़ेगी। लास्ट के 3 मंथ्स में और चीज़ें भी रिवाइज करनी होती हैं मेन से पहले, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा है एथिक्स। एथिक्स में सिलेबस काफ़ी लंबा है, टॉपिक्स पहली बार एथिक्स आप नॉर्मली लाइफ में पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कभी भी एथिक्स नहीं पढ़ते लाइफ में, तो मुझे लगता है कि एथिक्स को भी कम से कम एक बार तो प्री के टाइम पे जब आप मेन से पहले पढ़ लें, और एसे भी एटलीस्ट 10 essays, एक एसे टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, और 10 essays तो कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस मेन से पहले कर लें और उसके बाद उस पर ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा कि खाली आपने प्रीलिम्स पे ही फोकस कर दिया और प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए पर फिर मेन्स में आपका एसे और एथिक्स ऑलमोस्ट 500 मार्क्स का आपका ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मिस हो गया। तो इस तरह से ये दूसरी चीज़ को कवर करिएगा, ये मिस्टेक भी मैंने करी थी। मेरी तीसरी जो मिस्टेक थी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगता था कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी थी पर मैं टू द पॉइंट नहीं था, मैं लिखता पैराग्राफ्स में था, मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख देता था, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता था, कुछ आंसर्स बहुत अच्छे होते थे और कुछ आंसर्स बहुत खराब होते थे। और इन UPSC व्हाट मैटर्स इज एवरेज इज़ बेटर देन ग्रेट। बाय व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आपका कोई भी आंसर होता है, आपको 20 आंसर लिखने हैं, 20 में से 18-19 भी मिनिमम तो अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, तो वो सारे एवरेज होंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपेयर टू अगर उसमें से 5 ही अच्छे हैं और बाकी सारे फिर आप उनमें ज़्यादा अच्छा नहीं करा। फॉर एग्जांपल अगर आप सारे क्वेश्चन एवरेज भी लिखते हैं तो अगर 5-5, 6-6 मार्क्स भी मिल जाएंगे एवरेज आंसर्स में तो आपके 110 मार्क्स ईजिली क्रॉस हो जाएंगे, पर अगर आप 5 आंसर्स बहुत अच्छे लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, सब कुछ पता है आपको, वैसे वर्ड लिमिट होती है तो ज़्यादा उससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो हो सकता है उन 5 क्वेश्चंस में आपको 8-8 मार्क्स मिल जाएं, 9-9 मार्क्स मिल जाएं, पर उसके बाद अगर जो 60 बाकी मार्क्स हैं, बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनमें 2-2 मार्क्स मिलेंगे तो आप 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट और अपना प्रिपरेशन मैनेजमेंट आंसर राइटिंग में हमेशा याद रखिएगा, एवरेज इज़ बेटर देन बेस्ट और गुड, because you have to write, you have to show that you have knowledge across the board in different kind of topics and subjects instead of कि आप एक चीज़ के बहुत अच्छे expert हैं। For example, आपको हो सकता है technology बहुत अच्छी आती हो तो cryptocurrency का answer आपने बहुत अच्छा लिख दिया, artificial intelligence का बहुत लिख दिया, अच्छा लिख दिया, पर उसके बाद let's say economics के दूसरे questions हैं, development के दूसरे questions हैं, उनको ठीक से नहीं लिख पाए,
तो फिर आपका उसका आपकी एक्सपर्टीज का कुछ फायदा नहीं होगा यूपीएससी में। वो एक जगह है, पर आपको एक ये माइंडसेट क्रिएट करना है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सभी चीज़ों की नॉलेज अच्छी तरह से रखता हूँ, इसके बारे में इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इंटेलिजेंट राइटिंग, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक पे मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ, दूसरा ये है। तो इस तरह से ये तीन मेन चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें। उसके सिवाय अपने रूटीन पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि हम फोकस करते हैं पढ़ाई करनी है, भाई टॉपर्स 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम 8 to 10 hours यू विल बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली एक्टिवली इन अ डे, एंड इनएक्टिवली मीनिंग पैसिवली यू विल बी मे बी गिव अनदर 2-3 hours एंड दैट विल बी इनफ। बट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, मेक इट चार्ट, हैव अ वे, वॉट एवर वे यू लाइक, चेकलिस्ट आपको अच्छी लगती है, टाइम टेबल मेंटेन करना आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आपका तरीका है, मैंने बहुत सारे तरीके ऑलरेडी अपने सेशंस में आपको बताए हैं, उन सेशंस को यूज करके उस तरह की टेक्निक्स को आप डेवलप करिए। क्योंकि विदाउट दैट यूपीएससी इज डिफिकल्ट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी की, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा कंटेंट है, इतने कंफ्यूजिंग चीज़ें लोग बताते रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं कहना चाहूँगा, डोंट लिसन टू एनीवन इफ समवन इज डिस्करेजिंग यू, स्पेशली इफ योर रिलेटिव्स और योर इवन योर फैमिली मेंबर्स समटाइम्स दे डोंट बिलीव इन यू, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। वी आर द ओनली पर्सन, हम अपने आप को ही खुश रख सकते हैं, नो वन एल्स हैज द एबिलिटी टू कीप अस हैप्पी, सो यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू हैव टू हैव फाइंड दैट रीजन व्हाई एम आई डूइंग दिस, एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, सो डोंट लिसन टू अदर्स, डोंट वरी अबाउट अदर्स, पढ़ो, एक रीडिंग पूरे सिलेबस की करो, और उसके बाद क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट्स में, या फिर you can search, there are various toppers also giving good advice, so you can learn from them also, but always listen to your common sense, always listen to what your heart is saying, because that is probably guiding you in the right path. So that is the small thing I want to tell you today. I hope these 3-4 things will help you. Take care, and if you have any questions let me know, or Saturday aapka acha jaye, Sunday aapka acha jaye, tomorrow I will try to come online and have a detailed session on one of the topics I've been working on. So goodbye, take care.